कि नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, भ्रष्टाचारी से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव हारने वाला है, गुजरात में चुनाव हारा, उसके कारण एनसीपी चुनाव में नंगा नाच हुआ, आप लोगों ने देखा। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लाने की साजिश कर रही है। जो बैरिकेड है, बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास में लगे हुए हैं, जो आम आदमी के कार्यकर्ता हैं। कल दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद प्रदेश में जो है माहौल क्या है वो मैं माहौल दिखाने का प्रयास करूंगा। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है गिरफ्तारी को लेकर। ये जो किसकी गिरफ्तारी से? के नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, भ्रष्टाचारी से नहीं डरते हैं। हम लोग बाबा साहेब और शहीद वीर भगत सिंह के औलाद हैं। ऐसा जो शिक्षा मंत्री को अंदर करेगा हम उससे नहीं डरते हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप? मनीष सिसोदिया का बिन मतलब के जो गिरफ्तारी हो गया उसको लेके प्रदर्शन है हम लोग का। हम लोग जीत के ही रहेंगे, हमारे शिक्षा मंत्री की रिहाई हो के ही रहेगी। आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मनीष सिसोदिया जी को झूठे केस में फंसा के सीबीआई जो अरेस्ट की है वो निंदनीय है। उसके खिलाफ हम जो है केंद्र शासन की नीति के खिलाफ, सीबीआई को जो तोता बना के रखे हैं उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आरोप लगाए वो गलत है बता रहे हैं? 100% गलत है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली एकमात्र राज्य है जो 75,000 करोड़ फायदे में चल रही है और शिक्षा की क्रांति जो हुई है सब जान रहे हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी चुनाव हारने वाला है, गुजरात में चुनाव हारा, उसके कारण एनसीपी चुनाव में नंगा नाच हुआ, आप लोगों ने देखा, महिलाओं का अपमान, जूता चप्पल। अब उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, इनका आखिरी आ गया है। देश की जनता इनका तिलांजलि दे रही है और इंदिरा गांधी के आपातकाल को याद कर रही है। आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी रात को सोता है तो उसके सपने में अरविंद केजरीवाल याद आता है। कुल मिलाकर के भाजपा सरकार गुंडागर्दी तानाशाही में लगी हुई है, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, आपातकाल जैसे कांग्रेस जैसे खत्म हो जाएगी। गिरफ्तारी के बाद में प्रदर्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी जो है कैसे प्रदर्शन कर रही है आप देख सकते हैं। आप बीजेपी कार्यालय का घेराव के लिए आम आदमी पार्टी निकली हुई है, संजीव झा भी है। क्या लगता है इसके बाद जो है गिरफ्तारी जो हुई है वो रिहाई हो जाएगी? होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। इसका हम विरोध करते रहेंगे, चाहे भारत बंद करेंगे, अगर रिहाई नहीं हुई तो भारत बंद करेगा। रिहाई हो जाएगी सर, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लाने की साजिश कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जिसको देश के मुद्दों पे काम करना था, महंगाई पे काम करना था, बेरोजगारी पे काम करना था, आज जो देश में अच्छे काम कर रहे हैं उसको अपनी एजेंसी का दुरुपयोग करके जेल भेज रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा में काम किया, आज 12 लाख परिवार के माताओं पिता के आंखें नम हैं, पूरे देश को उम्मीद जगी थी, उस उम्मीद पर पानी फेरने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आज ये वक्त आ गया है इस बात को लेकर सरकपा आने का, और ये अरेस्ट ये दर्शा भी रहा है, ये अरेस्ट ये दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हाथ अब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत 2024 में होगा। आम आदमी के ऊपर एक घोटाले का आरोप लगा, एक बड़ा आरोप है। आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी ऐसा कही जाती है, लेकिन एक गंभीर आरोप लगा है। ये बात घोटाले की है ही नहीं। 8 महीने से इनके 500 जगह पे छापे मारे गए, ये हजारों ऑफिसर लगे, आज तक नहीं पता भ्रष्टाचार क्या हुआ। बताओ ना कि क्या मिला तुमको, तुमने कहां कहां नहीं छापा मारा, एक झुनझुना मिला, क्या मिला ये तो बता दे तुम। बात भ्रष्टाचार की नहीं है, बात डर का है। अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं, इनको पता है कि जो हमने कुकृत्य किया है, अरविंद केजरीवाल सत्ता आएगी तो हम दिखेंगे नहीं कहीं, इसीलिए इसको दबाने की कोशिश कर रही है, तानाशाही मचा रही है सरकार, इसे तानाशाही के कारण सब लोग सड़कों पर हैं। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो है गिरफ्तारी के बाद में प्रदर्शन कर रही है, और अभी जो प्रदर्शन जो है बीजेपी कार्यालय के घेराव के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ किस प्रकार से आम जन आम जो आम
आम आदमी पार्टी है, इनका भीड़ किस प्रकार से है। बीजेपी कार्यालय जो है उसका घेराव करने निकली है, लोगों की भीड़ देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं किस प्रकार से घेराव करने के लिए बीजेपी कार्यालय का निकले हुए हैं। तो जो लोग हैं ये लोग की भीड़ देख सकते हैं कैसी भीड़ है, और ये जो बैरिकेड है बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास में लगे हुए हैं। जो आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं बैरिकेड तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि बैरिकेड तोड़े और हम उस पार चले जाएं बीजेपी कार्यालय का घेराव के लिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उनके बीच झूमाझटकी किस प्रकार से हो रही है, बैरिकेड तोड़ने का किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं जो लोग हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाई पड़ेगी आपको कि किस प्रकार से लोगों के बीच और पुलिस के बीच झूमाझटकी हो रही है। जो कार्यकर्ता है बैरिकेड तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं, आपको साफ तस्वीरों के माध्यम से दिख पाएगा। एक गिरफ्तारी के बाद, मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद लोग प्रदर्शन में उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी का कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आम आदमी के कार्यकर्ता जो हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उधर जो बैरिकेडिंग किया गया था उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिए हैं। पुलिस भी सुरक्षा में लगी हुई थी, उसको तोड़ दिए। उसके बाद जो है बीजेपी कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच गए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी जो हुई, मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। लोगों से ही बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से मांगे हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे। भैया किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जो हमारे शिक्षा मंत्री मजीद मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया एक फर्जी केस बना के, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों को मनीष सिसोदिया जी को रिहा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो ये हमारी शुरुआत है, लड़ाई तो अभी हमारी बाकी है। किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठ गए बीजेपी कार्यालय के सामने बैठ गए हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दी, इसलिए रिहा करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, जो देश का सबसे ईमानदार पार्टी बताती है उसके ऊपर आरोप लगाए। आज भी ईमानदारी है, आज भी आम आदमी पार्टी ईमानदार है, लेकिन क्या है, मोदी को शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं वो पच नहीं रही है। ये इस देश के जनता के टैक्स के पैसे से ही हम सारी चीजें उनको दे रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं। और हर 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 राज्य का कर्तव्य होता है शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करे, और ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की सरकार भी दिल्ली में वही कर रही है, पंजाब में भी वही हो रहा है अभी, लेकिन इनको पच नहीं रहा है ये सारी चीजें। आम आदमी की पार्टी के जो देश का सबसे ईमानदार पार्टी बताती है उसके ऊपर आरोप लगा है, और अभी आरोप लगा है, गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद जो कार्यकर्ता है प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ कि पोस्टर जो लगे हैं, पोस्टर को भी यहाँ पर फाड़ दिया गया है। पोस्टर में शिक्षा मंत्री तुझे सलाम का जो पोस्टर है आम आदमी पार्टी ने उसके ऊपर चिपका दिया है। जिस प्रकार से जो बीजेपी कार्यालय के सामने पोस्टर है उसको फाड़ा गया।